नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कैरी मिनाटी की न्यू वीडियो द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स और उनका सॉन्ग यलगार दोनों पर उनको यलगार को लेकर कॉपीराइट क्लेम आया था, जिसके बाद कैरी मिनाटी ने कॉपीराइट क्लेम के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए थे और साथ ही साथ YouTube इंडिया को टैग किया था। बाद में वो क्लेम YouTube द्वारा कैरी मिनाटी की वीडियो से हटा दिया गया था, लेकिन दोस्तों अब फिर से कैरी मिनाटी के यलगार सॉन्ग पर कॉपीराइट क्लेम आया है। इसकी जानकारी उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए दी। इसमें उन्होंने लिखा है हियर वी गो अगेन और साथ ही साथ उन्होंने YouTube इंडिया को भी टैग किया है। इस बार जो कैरी मिनाटी के यलगार पर कॉपीराइट क्लेम आया है वो भी सोनू सूद द्वारा दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा, पिछली बार जो कैरी मिनाटी की वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया था वो भी सोनू सूद की ही द्वारा दिया गया था। वहीं आपको बता दें, अगर कैरी मिनाटी के यलगार सॉन्ग को कोई यूज़ करेगा तो उसको कैरी मिनाटी की तरफ से कॉपीराइट क्लेम आएगा। लेकिन दोस्तों यलगार एक ऐसा म्यूज़िक वीडियो है जिस पर कैरी मिनाटी ने अपने बर्थडे वाले दिन अनाउंसमेंट किया था कि जिस जिसने मेरे सॉन्ग यलगार को यूज़ किया है और अगर उस पर कैरी मिनाटी की तरफ से कॉपीराइट क्लेम आया है तो वो उस क्लेम को सभी लोगों की वीडियो से हटा देंगे। लेकिन दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि कैरी मिनाटी को लोगों की भलाई करना कितना भारी पड़ रहा है। अगर कैरी मिनाटी ने यलगार सॉन्ग से कॉपीराइट क्लेम नहीं हटाया होता तो वह खुद बहुत पैसे कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बर्थडे पर सभी फैंस को एक गिफ्ट की तरह कॉपीराइट क्लेम हटाने का फैसला लिया। अगर फ्यूचर में कभी भी कोई उनके सॉन्ग को यूज़ करता है तो उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, लेकिन कैरी मिनाटी का यह तोहफा उन्हें ही भारी पड़ गया, क्योंकि कैरी मिनाटी के ओरिजिनल कंटेंट यलगार म्यूज़िक वीडियो पर कोई दूसरा कॉपीराइट क्लेम दे रहा है और सारा रिवेन्यू उसके पास जा रहा है। तो अब देखना होगा कि कैरी मिनाटी के द्वारा दिया गया कॉपीराइट क्लेम कब हटेगा। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या रिएक्शन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में दिख रहा रेड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप हमारी वीडियो देख सकें सबसे पहले।